दुनिया में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देशों में होड़ मची है कि कौन वैक्सीन जल्दी बनाएगा। वहीं रशिया ने यह दावा किया है कि कोविड-19 के जो ट्रायल्स हैं वो सक्सेसफुल है। रशिया की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक रशिया के सेस्मर यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि हमने जो कोरोना के ह्यूमन ट्रायल्स किए हैं वो सफल रहे हैं। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए क्लिनिकल रिसर्च और मेडिकेशन की प्रमुख एलिना यह कहा है कि हमने जो रिसर्च के बाद जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी असरदार हैं और यह दवा सुरक्षित भी है। जिन वॉलेंटियर्स को ट्रायल किया गया था उन्हें 20 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने के बाद उन पर निगरानी रखी जाएगी। इलियाना का कहना है कि पहली बार 18 जून को 18 वॉलेंटियर्स पर ट्रायल किया गया था। दूसरे ग्रुप को 23 जून से वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। वहीं इसके अलावा अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि वह जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेगी। 18 मई को मॉडर्ना ने यह ऐलान किया था कि जो फेज 1 के ट्रायल्स है वह सकारात्मक आए हैं। वहीं एक और ऐलान किया था कि जो फेज 3 के ट्रायल्स है वह जुलाई में शुरू हो जाएंगे। बात करें तो भारत की जो संभावित वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने पहले और दूसरे फेज की जो ह्यूमन टेस्टिंग ट्रायल्स है उन्हें अनुमति दे दी है। इसके जो ट्रायल्स है वह हैदराबाद के अस्पताल और अन्य सेंटर्स में हो चुके हैं। इस वैक्सीन को फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। वहीं दुनिया भर में लगभग 160 वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है।